आज कुल्लू में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर उनके स्वागत के लिए वहां मौजूद थे। उसी दौरान एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें एसपी कुल्लू और सीएम सुरक्षा अधिकारी के बीच में बहस होती दिखाई दी। बहस करते हुए एसपी कुल्लू गौरव ने अपना आपा खो दिया और सीएम सुरक्षा अधिकारी के थप्पड़ जड़ दिया। देखते ही देखते विवाद बेहद ज्यादा बढ़ गया। सीएम सुरक्षा अधिकारी बाद में एसपी कुल्लू के लाते बरसाते हुए वीडियो में नजर आए। वहां उपस्थित स्थानीय लोगों ने सीएम सुरक्षा अधिकारी को एसपी पर लाते बरसाते हुए देखा तो उन्होंने इसका विरोध किया और एसपी जिंदाबाद के नारे लगाने आरंभ कर दिए। वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी की। कुछ समय पहले अनुराग ठाकुर ने एक टिप्पणी की थी, यह घटना उस टिप्पणी की याद दिला रही है, जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार की अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, वह अनियंत्रित होते जा रहे हैं। आज यह बात साबित होती दिखाई दे रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री के सामने यह घटना घटी। जिन अधिकारियों पर मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को सफल बनाने का जिम्मा था, वही यहां पर कानून व्यवस्था को तार तार करते नजर आ रहे थे। ऐसे में प्रदेश में व्यवस्थाएं कैसे ठीक हो गई, यह एक बड़ा प्रश्न यहां पर खड़ा होता दिखाई दे रहा है। एसपी को अधिकारी ने ऐसा क्या कहा जो उन्होंने थप्पड़ जड़ दिया, इस बात को लेकर अब जांच बिठा दी गई है। फिलहाल इस घटना ने प्रदेश सरकार और प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसमें बेहद सुधार की आवश्यकता है। अगर अधिकारी ही अधिकारी से इस तरह पेश आएंगे तो आम आदमी से कैसा व्यवहार रहता होगा, इसका अंदाजा आप सभी लगा सकते हैं। इस घटना ने फिर से एक बार प्रदेश सरकार की किरकिरी कर दी है। अब देखना यही होगा कि मुख्यमंत्री इस घटना पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। दोनों पुलिस अधिकारी आपस में हाथापाई तक आए, उस वक्त मौका ये था कि अनफॉर्चुनेट हमने इंक्वायरी का ऑर्डर दिए हैं, जो रिपोर्ट आएगी इंक्वायरी की, हमने कहा कि 3 दिन के अंदर रिपोर्ट दीजिए, एक्शन करेंगे जो कार्यवाही। शिमला से संजू चौधरी की विशेष रिपोर्ट।
उसने उल्टा मार दी उसको। एस पी के साथ बहस कर रहे थे ना ये कि भाई तुम्हारे वो तो क्यों हुआ इतना हंगामा हुआ यहाँ परी थप्पड़ मार दिया उसने, एस पी ने थप्पड़ ही मार दी उसको।